हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, तो जान लीजिए कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से टीचर बनने का एक बहुत बड़ा पिटारा खुल गया है। इतनी बम्पर वैकेंसी, ये मौका चूक ना जाए उसी के बारे में एक नोटिफिकेशन है, एक जानकारी है कि फॉर्म कैसे भरना है, कितनी पोस्ट ओवर है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इस सारे डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानकारी कि क्या आई है वैकेंसी, कितनी कितनी पोस्ट है। वैसे बहुत सारे बच्चे जान भी गए होंगे और बहुत सारे नहीं भी जाने होंगे, तो वो भी जान ले क्योंकि सारे सब्जेक्टों का काफी बड़ी वैकेंसी है और इतनी बड़ी वैकेंसी समझिए कि बहुत कभी कभी आती है। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको MPESB भी कहा जाता है, ये हमारा है। जो वैकेंसी आई है वो हाई स्कूल टीचर के लिए है। लिखा है कि हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट 2023 और वर्ग वन के लिए। वर्ग वन मतलब कि आपका भाग एक के लिए। ये हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोस्ट किस किस सब्जेक्ट में कितना है। ध्यान दीजिए, लिखा गया है टोटल पोस्ट हमारा है 8720। कितनी पोस्ट है टोटल? 8720। जल्दी जल्दी इसको समझ लीजिए कि हमारे हिंदी में है 509 सीटें और संस्कृत में है 508 सीटें, मैथ में है 1362 और फिजिक्स में है 777, हिस्ट्री में है 304, जियोग्राफी में है 149 और सोशियोलॉजी में है 88, एग्रीकल्चर में है 569 और इंग्लिश में है आपका 1763, उर्दू में है 42, बायोलॉजी में है 755 और केमिस्ट्री में है 781 और पॉलिटिकल साइंस में है 284, इकोनॉमिक्स में है 287 और बारी आती है कॉमर्स की। क्यों इतना बड़ा बोल्ड में मैं कॉमर्स लिखा हूं? क्योंकि जो चीजों की जानकारी मैं देने वाला हूं और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं वो हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में 514 सीटें, समझिए कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि ये मौका चूक जाएंगे तो फिर जल्दी मिलने वाला नहीं। कॉमर्स में इतनी बम्पर वैकेंसी कभी नहीं आती है, बहुत कभी कभी इन केस में आती है, नहीं तो बहुत छोटी एकदम लिमिटेड वैकेंसी आती है। तो कॉमर्स में इस बार 514 सीटें हैं और लास्ट होम साइंस में है 28, इस तरह टोटल मिलकर 8720 सीटें। कॉमर्स का इसलिए मैंने बताया कि कॉमर्स के ही मैं आपको जानकारी दूंगा और बाकी सब्जेक्टों के बारे में तो सबको जानकारी है और यहाँ तक कि आगे मैं पढ़ाने वाला भी हूँ इस पर, तो वो भी केवल केवल कॉमर्स। और जानते हैं क्या इसके बारे में? एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आप क्वालिफाइड हो MP हाई स्कूल टेट पास। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा है वो हाई स्कूल लेवल का पास होना नेसेसरी है और वो भी 2018 और 13 में जो हुआ था वो पास होना, एक तो अभी होने वाला है, अभी तो शायद रिजल्ट भी नहीं आया है। तो जो क्वालिफाइड हैं एमपी टेट वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, वो भी 10th स्टैंडर्ड। इसके अलावा एक चीज और जरूरी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं स्नातक स्तर पर मुख्य विषय और स्नातकोत्तर स्तर पर सह विषय। कहने का मतलब यहाँ पे है कि वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो जिन्होंने कॉमर्स के, क्योंकि अभी देखिए मैंने सारे सब्जेक्टों का जिक्र नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं यहां पे इंडिकेट कर दे रहा हूं केवल कॉमर्स का, क्योंकि यहां जो डिटेल मैंने दिया है वो केवल कॉमर्स का। तो पीजी, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एम कॉम अकाउंटेंसी के साथ, मतलब अकाउंट्स के साथ हो यदि पास हो, या कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ पास हो, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ पास हो, या एमए कॉमर्स से किए हो, या एमबीए फाइनेंस से किए हो, या एमकॉम मैनेजमेंट से,
मतलब उसमें से कोई भी उनका एक सह विषय होना चाहिए, लिखा है ना स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय, मतलब ये सब्जेक्ट पेपर्स होने चाहिए। और स्नातक स्तर पर जो उनका मुख्य विषय है, मुख्य विषय मतलब है इनमें से कोई एक मुख्य विषय होना चाहिए, तभी वो इसके पात्र हैं। किसके पात्र हैं? हाई स्कूल टीचर के लिए, और वो भी कॉमर्स के। दूसरी बात आती है इसमें कि हम इसका फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने का डेट हमारा 15 मई 2023 है, अभी काफी समय है, और लास्ट डेट कब तक है? 1 जून 2023। एक तरह से देखा जाए तो फॉर्म भरने का तो समय बहुत लंबा है, लेकिन इसके आगे देखिए क्या होता है। लास्ट डेट हमारा 1 जून 2023। जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगा तो उसी डेट पे आपका करेक्शन का भी डेट दिया गया, कुछ भी करेक्शन कराना है वहां भी करा सकते। बारी आती है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट हमारा 2 अगस्त को। 2 अगस्त मीन्स 1 जून खत्म होगा फॉर्म भरने का, उसके बाद जुलाई अगस्त, टाइम ही कहाँ मिला, 1 महीना। इसके मतलब यह है कि तैयारी इसकी अभी से जरूरी है। और आगे जानते हैं, एग्जाम डेट दो हमारा 2023 हो गया, मैंने 2 अगस्त 2023 हो गया। और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? यदि आप कॉमर्स विषय से, वो सारे सब्जेक्टों का वही है, सेम है, कोई चेंजेज नहीं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, 100 केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से। रिलेटिव सब्जेक्ट मतलब ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं उस सब्जेक्ट से, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स के होंगे, और जो क्वेश्चंस हमारे होंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। और इसका कॉमर्स जो मैं पढ़ाने वाला, उसको अलग से एक लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा कि किसमें कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, क्या उसका पैटर्न है, कैसे हमें पढ़ना है, ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है जो बच्चे कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे आपके एमपी हाई स्कूल टीचर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो वह कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। अब कैसे करना है उसके बारे में भी बता दें। पहले फिलहाल एक इंट्रोडक्शन थोड़ा मेरा भी जान लीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। मैं पिछले लगभग 19 प्लस में ही सालों से मैं पढ़ा था, 19 वर्ष से अधिक, लगभग 20 साल। और मेरा चैनल जानते ही होंगे, बी आर कॉमर्स नाम से मेरा चैनल है, और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना हो, वो हमारा ऐप है, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, सर्च करेंगे बी आर कॉमर्स, बी आर कॉमर्स सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा, आप उसके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उस पे बहुत सारे मेरे कोर्सेस होंगे, उसमें से बहुत ही जल्द, मुश्किल से 2-4 दिनों के अंदर, इस सब्जेक्ट का कॉमर्स सब्जेक्ट का एमपी हाई स्कूल टीचर का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले। ये मान के चलिए कि अगला जो मई हमारा आ रहा है महीना, मई अगले मई से स्टार्ट हो जाएगा, मई के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम कब है? 2 अगस्त। अगस्त तो हटा दीजिए, ये चल रहा है अप्रैल, अप्रैल भी खत्म हो गया, मई जून और जुलाई 3 महीने का समय है, मौका चूक ना जाए, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, प्ले स्टोर पर बी आर कॉमर्स डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे जितने भी इसके सिलेबस वगैरह से रिलेटेड माने पेपर्स वगैरह हैं, इससे कॉमर्स के, वो सारे चीजें आपको हमारे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। लेकिन आप लोग को केवल स्पेशली इसी को पढ़ना होगा, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी चीज, ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये मत सोचिएगा वो बहुत मेरी बड़ी फीस होती है, बहुत नॉर्मल फीस, इतनी फीस कि समझिए कि यूट्यूब पर कोई भी इतने लो कॉस्ट पर नहीं पढ़ाया होगा अपने पर्सनल लेवल पर, समझिए कि एकदम एकदम नॉर्मल। तो खैर, उस सारी जानकारी आगे हम देंगे, फिलहाल ये फॉर्म आया है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सिलेबस में है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नौकरी एकदम छूट ना जाए, क्योंकि मौका यह छूट गया तो समझिए कि आप का समय थोड़ा सा और बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कि
अगली वैकेंसी का वेट करना, इसलिए मौका छूटे ना और अभी से लग जाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और करना कहना चाहेंगे कि भाई जो भी चैनल पे हमारे नए हैं, खास तौर से वे स्टूडेंट जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।